अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज बहुत धूप आ रही है मेरे ऊपर। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ बढ़िया से मजेदार से आलू के पराठे। थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में है। वैसे मैंने एक अलग स्टाइल में आलू के पराठे बनाए हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिए। तो ये थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी और इसे मैं टमाटर की चटनी के साथ घर में ही बनाएंगे। टमाटर की चटनी बढ़िया सी मजेदार सी चटपटी सी उसके साथ सर्व करेंगे। तो चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, सबसे पहले तो हम भुने हुए टमाटरों की बढ़िया सी चटपटी चटनी बना लेते हैं। फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए। यहाँ पर मैंने बढ़िया से लाल टमाटर लिए हैं 4, उनको बीच में से काट लीजिए और उसे इस तरीके से लगा दीजिए हमारे फ्राई पैन के ऊपर उल्टा करके। यहाँ पर मैंने 14-15 लहसुन कली ली है और वहाँ वो साइड पर मैं वो भी लगा देती हूँ, और 3 हरी मिर्चियाँ ली हैं। आप हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब हमें इसे तकरीबन कुछ मिनटों तक भूनना है। मैंने स्लो आंच रखा है, आप चाहें तो मीडियम आंच कर सकते हैं। मैं ये जो लहसुन है उसे पलट रही हूँ, हल्के से डार्क स्पॉट्स आने लगे तो उलट पलट लहसुन और हरी मिर्चियों को करते जाएँ। जब दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स आ जाए तो ये जो लहसुन और हरी मिर्ची है उन्हें नितार कर साइड पर रख दीजिए, निकाल कर एक प्याले में। चूल्हा मैं मीडियम स्लो मीडियम पर रख रही थी और ये जो टमाटर है इसे मैं पलट देती हूँ क्योंकि पीछे की ओर डार्क स्पॉट्स आ गए और भुना गए। अब ये जो पलटने के बाद भी कुछ मिनटों तक उसे भूनिए कि उसका पीछे का साइड भी, जो जहाँ स्किन साइड है वो भी अच्छा सा भुना जाए। जब वो भी भुना जाता है तो चूल्हा कर दीजिए बंद और ये जो टमाटर है उन्हें सबसे पहले तो एक प्याले में या प्लेट में निकाल लीजिए। हल्का मैं ठंडा होने देती हूँ, तब तक लहसुन और हरी मिर्चियों को उखल में डालकर बहुत अच्छे से कूट लीजिए इस तरीके से, और इसे साइड पर रहने दीजिए। टमाटर को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए तो इनकी जो स्किन है निकाल लीजिए। अब आप चाहें तो छुरी काटे से निकालें या फिर मेरी तरह देसी स्टाइल से निकालें। एक बाउल में निकाल लीजिए सारे टमाटरों को, और ये जो प्लेट है जिसमें टमाटर थोड़े बहुत भी लगे हुए हैं, जो पल्प है उसका, वो सारे को भी ले लीजिए इस तरीके से। और ये जो टमाटर है, अब आपके पास मैशर हो तो उससे मैश कर लीजिए या फिर मेरी तरह इस तरीके से जुगाड़ कर लीजिए। मैं इस तरीके से चम्मच स्पैचुला की मदद से उसे पूरा भुने हुए तो वैसे भी है ही, तो इसके पीसेस कर लेती हूँ तो एक रस हो जाएंगे ना। जब एक रस हो जाए तो ये हमने जो साइड पर पीस कर रखा है लहसुन और हरी मिर्ची वो भी सारा डाल दीजिए इसके अंदर। अब इसके साथ साथ डाल दीजिए 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ पीसा हुआ जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार 1/4 छोटा चम्मच या उससे ज्यादा पादड़ा नमक, काला नमक भी कह सकते हैं इसे, या फिर रॉक सॉल्ट, मुंबई में इसे मोस्टली पादड़ा नमक कहते हैं। हाँ, चलिए सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके साथ साथ प्याज एक छोटी सी छूंदा करी हुई बारीक कटी हुई प्याज डाल देती हूँ, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल देती हूँ। सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दीजिए, मज़ेदार सा चटपटा भी लगे ज़रा, और उसे मिक्स कर कर इसे साइड पर रख दीजिए। तो ये बन गई हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी भुने हुए टमाटरों की चटनी। तो चलिए आप बनाते हैं झटपट से आलू के पराठे मजेदार से। तो यहाँ पर मैंने 1/2 किलो आलू लिए बॉईल करे हुए और छील निकाल ली है, एक बर्तन में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और 1/4 या 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया यानी कि कोथमीर। ये सारी चीजों को डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये बन गया हमारा आलू की स्टफिंग अंदर डालने के लिए। अच्छा, आप चाहें तो बारीक कटी हुई हरी मिर्चियां डाल सकते हैं या उसका पेस्ट भी डाल सकते हैं या कूट कर डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। इसमें मसाले कम डाले हैं क्योंकि हम इसे चटपटी चटनी के साथ सर्व करेंगे। आटा ना मैंने गेहूं के आटे से गूंद लिया था तकरीबन 20-25 मिनट पहले, और आटे में मैंने कुछ नहीं डाला था, नमक, थोड़ा सा तेल और नॉर्मल पानी से इसे अच्छा सॉफ्ट गूंद लिया था। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके कुछ पेड़े बना लेती हूँ इस तरीके से।
पेड़े जो हैं वो ज़्यादा बड़े और ज़्यादा छोटे भी मत बनाइए, मीडियम साइज़ के बनाइए। एक पेड़ा लीजिए, उससे उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और उसे बहुत अच्छी पतली रोटी टाइप बेल लीजिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर घी या तेल पूरा ऑल ओवर स्प्रेड आउट कर दीजिए। मैंने घी लगाया है, थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए। अब ये देखिए, बीच में से आधे तक ही इसे फाड़िए या छुरी की मदद से इसे काटिएगा ये, और इस तरीके से रोल करते जाइए। ये देखिए ऐसे, जब आप रोल कर लें तो बीच में से इस तरीके से प्रेस कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन एक पेड़े का। इसी तरीके से सारे पेड़े बना लीजिए। अच्छा, इस करने से, ऐसा करने से ना, अपने जो पेड़े हैं ना, उसमें थोड़े से लच्छे आएंगे पराठों में, तो मज़ा आ जाएगा आपका खाने में। आप चाहें तो ये देखिए छुरी से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो इसी तरीके से सारे सबसे पहले पेड़े बना लीजिए। अब ये लाइट लच्छा बना हुआ पेड़ा लीजिए, थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और इसे मीडियम साइज की फिर से रोटी बना लीजिए, और इस वाली रोटी को साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से दूसरा पेड़ा लीजिए लच्छा बनाया हुआ, और इसे भी रोल करके मीडियम साइज की रोटी बना लीजिए। अब इसके ऊपर ना हमने जो बनाकर रखा है मिक्सचर आलूओं का, ये अच्छे से स्प्रेड आउट कर दीजिए इस तरीके से। वो जो रोटी अभी आपने बनाई है मीडियम साइज की, इसके ऊपर रखिए, चारों ओर से अच्छे से प्रेस कर करके सील कीजिए हल्के हाथ से लेकिन, और इसे अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसे फैला देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से, सो दैट थोड़ा सा हाथों की मदद से फैल जाए। थोड़ा सा सूखा आटा लगा दिया, पलट दीजिए इसे और हल्के हाथों से बेलन से इसे हल्का सा ही बेलिएगा, ज़्यादा नहीं है, अब थोड़ा ही बेलना है हमें। आप देख सकते हैं मैंने हल्का ही बेला। अब थोड़ा सा आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालकर फिर इसे हल्के हाथ से बेल लीजिए, सो दैट ये सारी चीज़ें चिटक जाए ना, जो भी है वो हमारे रोटी के ऊपर लग जाए। तो ये बन गया हमारा एक पराठा। अब आप चाहें इसी समय बेल लें सारे एक साथ और फिर फ्राई करें, या फिर पहले बेलें फ्राई करें, बेलें फ्राई करें। अच्छा, आप चाहें तो ये जो आप लगाते हैं ऊपर कोथमीर हरा धनिया और चिली फ्लेक्स, तो थोड़ा सा आप लगाने के बाद ना तेल या घी का हाथ लगाकर फिर उसे रोल आउट कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर लगेंगे। चलिए अब अच्छा तवा गरम कर लीजिए। जब अच्छा तवा गरम हो जाए तो इसे डाल दीजिए हमारे ये जो आलू के पराठे को। मैंने थोड़ा सा घी ऊपर डाला है, अब इसे थोड़ी देर पीछे की साइड पकने दीजिए। मैं हमेशा मीडियम आंच पर ही फ्राई करती हूँ मेरे आलूओं के पराठों को। मुझे याद है मेरी दादी बड़ी चिल्लाया करती थी कि फास्ट पर कोई आलू के पराठे फ्राई करता है क्या? तो तब से मुझे आदत हो गई है मीडियम आंच पर फ्राई करने की। उलट पलट करते जाएं, और आपको पता है किस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो तेल लगा सकते हैं। उलट पलट करते हुए इसे अच्छा सेक लें, जब दोनों ओर से अच्छे सुनहरी गोल्डन स्पॉट्स आने लगे तो आप इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बेल लीजिएगा। चिली फ्लेक्स और चिलीज यानी कि हरी मिर्चियां आपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं चखकर बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत चल रहा, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमने आलू में ज्यादा मसाला डाला नहीं है। सेकेंडली, ये जो हमने टमाटर को भून के बनाया है, इसका जो इतना बढ़िया सा स्वाद आ रहा है, भूनने का जो टमाटर का स्वाद आ रहा है, बहुत ही मजेदार है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपको पता है आपने क्या करना है। डेफिनेटली ये वीडियो को लाइक कीजिए जल्द से जल्द, और अपने और फैमिली और फ्रेंड्स में मेरा ये वाला वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कीजिए तो दूसरे लोग भी बनाए। और हाँ, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिएगा आप कि अगर आप बनाएं कभी तो, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन एंजॉय आलू पराठा विद टमाटर की चटनी, माशाल्लाह।